नमस्कार आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं हूं राकेश झारखंड में जनवरी के पहले हफ्ते में नई सरकार का गठन होना है ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि इससे पहले चुनाव आयोग प्रदेश में सारी चुनावी प्रक्रिया समाप्त कर लेगी यानी कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं और सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे रहे हैं इन सब कवायदों के बीच झारखंड का ताजा और बिल्कुल नया राजनीतिक सर्वे सामने आया है इस सर्वे में जनता का मन और मिजाज किस ओर है कौन फेवरेट है मुख्यमंत्री के तौर पर और किसकी सरकार बनने जा रही है इससे जुड़े सवाल पूछे गए हैं तो आइए आपको बताते हैं कि सर्वे के नतीजे क्या संकेत दे रहे हैं झारखंड में इस बार मुकाबला जेएमएम के नेतृत्व में बने इंडी गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व में बने एनडीए अलायंस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने चुनाव को टफ बना दिया है इधर कुर्सी की चाहत में राज्य के एक दर्जन से भी ज्यादा सांसद विधायक और मंत्री और नेता अपने बेटे बेटियों व पत्नियों को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पार्टियों का टिकट दिलाने की लॉबिंग शुरू हो गई है कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पिता पुत्र और पुत्री ने एक ही क्षेत्र से टिकट के लिए पार्टी में बायोडेटा दे दिया है खैर अब सर्वे के नतीजे पर आते हैं हैं जानते हैं कि राज्य की कुल इक्यासी सीटों के अनुमानित आंकड़े क्या हैं किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है और कौन मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है ताजा ओपिनियन पोल चार्ट के हिसाब से इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया की बात की जाए तो उन्हें तीस दशमलव चार फीसदी वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं जिससे उनके खाते में चौबीस से उनतीस सीटें आ सकती है जबकि गठबंधन का ग्राफ पिछली बार की तुलना में थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर्वे के मुताबिक बीजेपी पचास दशमलव चार प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है और इस लिहाज से उसे तैतालीस से अड़तालीस सीटें मिलती दिख रही है वहीं अन्य के खाते में उन्नीस दशमलव दो प्रतिशत वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं सीटों की बात करें तो अन्य चार से नौ सीटें जीत रहे हैं सर्वे के दौरान झारखंड की जनता से ये सवाल भी पूछे गए कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से किसको फायदा होगा ऑप्शन ए है इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन को फायदा होगा इकतीस प्रतिशत वोट के साथ बी एनडीए को फायदा होगा उनतीस प्रतिशत वोट के साथ या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका जो परसेंटेज है वो है चौंतीस प्रतिशत और छह ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है यह भी सवाल पूछा गया तो राज्य के लिए पसंदीदा मुख्यमंत्री के लिए किए गए सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे दिखाई दे रहे हैं सर्वे में मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे पसंदीदा चेहरा एनडीए गठबंधित बाबूलाल मरांडी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वहीं राज्य की बयालीस फीसदी जनता चाहती है कि बाबूलाल मरांडी राज्य के बागडोर संभाले वहीं इंडिया गठबंधन के वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन की बात करें तो उन्हें उनतीस फीसदी जनता मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रही है और उन्हें अगला सीएम बनते देखना चाहती है चंपई सोरेन का भी जो ग्राफ है वो बढ़ा है झारखंड के पूर्व सीएम और चार दशकों तक झामुमो के दिग्गज नेता में शुमार है चंपई सोरेन को राज्य की आठ फीसदी जनता बतौर सीएम देख रही है कुछ इसी तरह का आंकड़ा अर्जुन मुंडा के साथ भी है उन्हें भी आठ फीसदी वोट मिले हैं जबकि तेरह फीसदी वोटर्स अन्य को सी देखना चाहते हैं 2019 में किस दल को कितनी सीट मिली यह भी आपको बता देते हैं कि झारखंड में नवंबर माह तक चुनाव कराए जा सकते हैं और 2019 में यानी कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे जिसमें मुख्य पार्टी जे को 30 सीटें हासिल हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें प्राप्त हुई थी वही कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें और अन्य के खाते में दस सीटें गई थी यहां सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर यानी कि जादुई आंकड़ा इकतालीस है लिहाजा जेएमएम ने कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री राज्य की कमान संभाली कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार की चुनावी जंग दिलचस्प होने वाली है ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें फॉलो करना ना भूलें नमस्कार